परशुराम एक्सप्रेस। जैसा कि आपको बता रहा था ना कि मसालों के लिए फेमस है, तो देखो बहुत सारे मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। हमने बस एक छोटा सा केरला चिप्स का पैकेट ले लिया। आप लोगों ने कहा कि आपको मेरे साथ केरला घूमना है, यानी दक्षिण भारत घूमना है, तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि बैंगलोर से केरल के लिए यानी केरला के लिए होने वाली है। नज़ारे आपको बहुत सुंदर मिलेंगे, क्योंकि भाई गॉड्स ओन कंट्री है, भगवान भी जब उसे अपना मानते हैं तो हम लोग के लिए तो ये है ही दुर्लभ और बहुत ही खूबसूरत है। वैसे आपको बताऊँ, वंदे भारत से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, पर हाँ भाई जब साउथ की यात्रा है तो साउथ का खाना यहाँ पे क्यों ना हो। तो साउथ इंडियन फूड भी आपको काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगा और नज़ारे ज़बरदस्त आने वाले हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग इस यात्रा में बढ़ते जाएंगे, चीज़ें और सुंदर होती जाएंगी और एक नया ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा केरला का। बाकी आप लोग को बता दूँ, इस यात्रा को हमने बैंगलोर के छोटे से रेलवे स्टेशन बानसवाड़ी शुरू किया था, जो कि एक ज़माने में मीटर गेज ट्रेन्स का हुआ करता था, और आज यहाँ से बड़ी लाइन की ट्रेनें चल रही हैं। तो चलिए यात्रा को शुरू किया जाए बानसवाड़ी से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग साउथ के लिए निकल रहे हैं। बहुत दिन से आप लोग कह रहे हो कि भैया साउथ नहीं घुमाया है, तो आज बैंगलोर से निकल रहे हैं तिरुवनंतपुरम के लिए। और ये जो जर्नी है ना हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस में, थोड़ी यूनिक है, थोड़ी सी इसकी जो जर्नी है कंजेस्टेड होने वाली, क्योंकि गरीब रथ ट्रेन्स। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 16527। और आज हमारी जो जर्नी है ट्रेन नंबर 12257 यशवंतपुर कोचीवेली गरीब रथ एक्सप्रेस में है, जो कि अब मॉडर्न LHB कोचेस के साथ चल रही है। तो जर्नी एक्सपीरियंस जो है पूरा आप लोग देखोगे। रूट हमारा आज यहाँ से सेलम, कोयम्बटूर, पालकड़, उसके बाद एर्नाकुलम होते हुए है पूरा अपना तिरुवनंतपुरम तक, कोचीवेली तक जाती है, जिसका नाम अब तिरुवनंतपुरम नॉर्थ हो चुका है। जर्नी एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये गाड़ी निकल जाए, तो थोड़ा स्टेशन आपको दिखाते हैं, फिर यात्रा शुरू की जाए। 9 बजे अपनी ट्रेन आएगी। ये गाड़ी का स्लीपर देख लो यार, कितना साफ़ सुथरा, और कितने लोग यहाँ पे मतलब इस गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। गाड़ी बोर्डिंग देखो, ये देखो स्लीपर की साफ़ सफाई। साउथ में ना हम स्लीपर जर्नी आराम से कर सकते हैं, वो भी केरला में, जो केरला के लिए ट्रेन जा रही है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरी, लोगों ने गंदगी नहीं फैलाई हुई है। देखो आप स्लीपर, तो स्लीपर जनरल में भी जगह की, अगर बाई चांस आपने टिकट ना कराया हो ना, तो आप बड़े मज़े से जा सकते हो उस ट्रेन में, यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस। साथ में यहाँ पे श्रेयांश भाई और रुद्रा भाई भी हैं, श्रेयांश भाई तो कहीं निकले, तो हम लोग स्लीपर के इसका देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गए। भाई ट्रैवल करने लायक है क्या रुद्रा भाई? बहुत मस्त है, एकदम साफ सुथरी थी ना, बहुत साफ मन बन गया, स्लीपर में भी जाएंगे। इसमें स्लीपर में मज़ा भी आया, बाहर की ट्रेन में, अपने यहाँ की ट्रेन में इतना रश होता है स्लीपर में, इतनी गंदगी होती है कि ट्रैवल करने का मन नहीं करता है, पर यहाँ पे वो मज़ा है भाई। मौसम क्या ठंडा हो गया, देखो तीनों लोग फुल जैकेट, बैंगलोर में भी जो ठंड है वो आज की है। बानसवाड़ी जो स्टेशन है, एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, अलग थलग सा बना हुआ है, SMBT नहीं है ये बानसवाड़ी अलग स्टेशन है, यहाँ से भी आप ट्रेन बोर्ड कर सकते हो। मेरे घर से पास था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया ट्रेन को बोर्ड करने। वैसे ट्रेन चलती है यशवंतपुर से, और स्टेशन में यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। फाइनली यहाँ पे अपनी LHB गरीब रथ एक्सप्रेस, 10 मिनट की देरी से गरीब रथ। पहला कोच G1, दूसरा G2, तीसरा G3, 3 AC इकोनॉमी वाली अपनी गरीब रथ। पहले सामान रखते हैं, सामान थोड़ा ज़्यादा है, फिर आपसे मिलते हैं। पूरा जनरल वाला फीलिंग आ रहा है, इतना भीड़ इस गाड़ी के लिए, बोर्डिंग यहाँ से इतनी ज़्यादा है इस गाड़ी में। तो राइट साइड ट्रैक जा रहा है ना, वो SMBT के लिए जा रहा है, और हम लोग लेफ्ट वाले ट्रैक से बढ़ रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है ये सेलम वाली लाइन पे जा रही है, और SMBT वाली लाइन पे एक वंदे भारत खड़ी हुई है, देखो शायद आपको दिख रही हो थोड़ी सी, मेंटेनेंस वगैरह हुई होगी गाड़ी के यहाँ पे। गरीब रथ है तो यहाँ पे आप देख लो CCTV वगैरह सब मिल जाएगा, मॉडर्न ट्रेन है ना। बाकी पानी निकालना है आपको, तो यहाँ से इसे प्रेस करके टैप करोगे तो पानी निकलेगा, और फैसिलिटी सारी आपको अच्छी मिलती है। अंदर का इंटीरियर दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा बैंगलोर सिटी आप देख लीजिए, क्योंकि गाड़ी यहाँ से अच्छी खासी रफ्तार में भागने वाली है, तो वो चीज़ तो बनती है। ट्रैक साउंड आपको आ ही रहा होगा, है ना, एक्सेलरेशन तगड़ा हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लाइट वगैरह मस्त लगी हुई है कोच में,
360 भी लगाया है, स्लाइडिंग डोर से इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सिटी का व्यू आप एंजॉय करिए। डेली वॉक करने वाली जगह है। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया बेंगलोर का, मज़ा आ रहा है जर्नी में। और अभी हम लोग उस लाइन को क्रॉस करेंगे जो कि चेन्नई और दिल्ली यानी हैदराबाद वाली लाइन क्यों निकलती है। ऑक्सिलरी बाईपास केबिन है बाईपास नाली का, उससे हम लोग निकलेंगे। अभी नीचे से ट्रैक जाएगा वो जंक्शन पॉइंट जहाँ से स्ट्रेट जाता है केयरपुरम और लेफ्ट में चन्नासंद्रा जलंका हैदराबाद वाली लाइन। ये बेंगलोर के बिजिएस्ट प्लेसेस में से एक टिन फैक्ट्री सामने बिजिएस्ट है, रिस्कीएस्ट। मोबाइल वगैरह यहाँ पे थोड़ा संभाल के निकालना है आपको। यहाँ से कर्व लेके ट्रेन बढ़ जाएगी हुसूर की ओर। ये गरीब रथ है तो स्लाइड से डोर ओपन होता है। बाकी कुछ ऐसा इंटीरियर आपको यहाँ पे मिलेगा। 6 पैसेंजर के लिए है, थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन हाँ चार्जिंग सॉकेट वगैरह सबके लिए दिया गया है, ये मेन चीज़ है, वो काफ़ी सही है। इसमें मिरर वगैरह साफ़ सुथरे हैं और सीट भी काफ़ी सही है। हाँ लेकिन थोड़ी कंजेस्टेड मिलेगी। यहाँ पे ये वाला सिस्टम इसमें दिया गया है और एसी इसमें वर्किंग है एटलीस्ट, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी वर्किंग हुआ, बट सही लगा देखकर। सुविधाएं हैं तो लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर भी दिया गया है। मोबाइल को यहाँ पे चार्ज लगा रहे हो ना तो मोबाइल होल्डर्स भी हैं। थोड़ी बहुत सेफ्टी तो रेलवे ने बढ़ाई और फीचर्स थोड़े बढ़ा दिए हैं, ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा। बस इसमें USB और इसमें जो USB चार्जिंग दी है ये भी काफ़ी सही चीज़ है, मतलब इतने कम किराए में आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। 845 रुपीज़ में हमें 16 hours 35 minutes की जर्नी इस ट्रेन में, एसी ट्रेन में मिल रही है, जो कि केरला के लिए अच्छी खासी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये लो भाई गरीब रथ की चाय कॉफ़ी। अच्छा इसमें केटरिंग इंक्लूड है क्या? चाय भी गरीब, ये तो एक्चुअली लग रहा है पानी पानी। चाय भी गरीबों वाली है भाई, एक्चुअली कॉफ़ी है ये। और गरीब रथ में एक्चुअली में यार भेदभाव तो होता है, 15 रुपये में दिया वो भी इतनी गंदी क्वालिटी की, पूरा पानी। आज मैं कहूँगा इससे अच्छी तो नॉर्थ में मिल जाती है भाई, चाय तो मिल जाती है। और अभी तक मैंने जितनी भी साउथ की ट्रेन में बैंगलोर की ट्रेन में ट्रैवल किया है, इतनी बढ़िया चाय, इतनी बढ़िया कॉफ़ी मिलती है, खाना इतना अच्छा मिलता है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। और इनफैक्ट बानसवाड़ी स्टेशन में नंदनी का स्टॉल था, अमूल का स्टॉल था, और इससे 10 गुना अच्छा मिलता, बट यहाँ नहीं हो पाएगा भाई, करने को कुछ है ही नहीं। बाहर अंधेरा, सब लोग बैठे, अगले जो हॉल्ट है सुबह सुबह मजा आएगा। तब केरला में, केरला में मजा आएगा ना, पूरा बैक वाटर का मजा अलग उधर ही आएगा। अभी कुछ करने के लिए नहीं, मन कर रहा है सो जाते हैं अभी, सेटल रेस्ट तो एकदम एक हम तो ढंग से हो, घर से खा पी के भी आए तो वो भी नहीं है, कुछ भूख लगी हो। जो बड़ा कोई हॉल्ट आना है वो सेलम आएगा रात 1:30 बजे, अभी होसूर धर्मपुर यही सब आएगा, मतलब वो भी थोड़ा लेट ही है, 10 तो अभी बज रहे हैं, कुछ हुआ नहीं अभी। एक्चुअली में देखो ना कैसे कंजेस्टेड होकर बैठे हैं ना, तो एडजस्ट करके आमने सामने आप पैर अगर फैला के रख दोगे ना तो पैर तो टच हो ही जाएंगे। यहाँ पे सामान भी देखो, ट्रॉली भी पूरी अंदर नहीं आती, नॉर्मल ट्रेन में पूरा अंदर आता है ना, ये बाहर है, ये भी ट्रॉली बाहर है, बच्चे कुछ इतने से गैप में हम लोग जी रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, बाहर भी अंधेरा, यहाँ भी यही सब चल रहा है। रुद्रा भाई का अलग स्ट्रगल चल रहा है इसके साथ होल्ड करने के लिए, वो हो नहीं रहा है कुछ कर। लॉन्ग जर्नी का गाड़ी होता तो क्या होता, नहीं मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाता भाई बस। लेकिन एक चीज़ है ना, 16 hours की जर्नी, 830 rupees किराया, 50 रुपये घंटे का, वो भी एसी समझ रहे हो ना, तो सबसे वर्थ है भाई। बहुत ही बढ़िया ठंडा मौसम है और ट्रेन हमारी होसूर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है और तमिलनाडु में आपका स्वागत है। तमिलनाडु हम लोग एंटर कर चुके हैं। देखो तमिलनाडु में रात के 10:20 पे काउंटर ओपन है अपना खाने का, होसूर रेलवे स्टेशन। काम स्टेशन में काफ़ी दिनों से चल रहा है, देखो प्लेटफॉर्म में भी डिस्प्ले वगैरह अच्छे देखने को मिले और ऊपर शेड भी काफ़ी सही बन चुका है और आगे काम चल रहा है अभी भी स्टेशन। बाकी अगर खाने पीने के मुझसे बात पूछोगे ना तो ट्रेन में
वेज बिरयानी नहीं अवेलेबल है, केवल अंडा बिरयानी अवेलेबल थी तो हम लोगों ने नहीं लिया है। कॉफ़ी आ रही थी, बहुत ही बुरे हाल में थी, उसमें मज़ा आया नहीं, अंधेरे में बाहर दिखाने में कुछ मज़ा आ नहीं रहा था। तो बस अब इसके बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा सो जाते सुबह, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग केरला हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। अभी तो जर्नी थोड़ी बोरिंग सी हो रही स्टार्टिंग में, मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़ देखने को मिले। सुबह बैक टू बैक ट्रेनों की क्रॉसिंग लेंगे, केरला एक्सप्लोर करेंगे और मज़ा आएगा जर्नी में भाई। लेकिन एक चीज़ है ना, 835 रुपीज़ में यानी कम किराए में आपको एसी ट्रेन बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं। पुरानी वाली गरीबत में तो यार मिडिल सीट होती थी साइड में। किन लोगों ने, आप में से किसने ट्रैवल किया भाई, कमेंट में लिख करके बताओ। वो काफ़ी टॉर्चर होती थी, मतलब काफ़ी कंजस्टेड होती थी वो सीट। जब से वो हटी है ना, ट्रेन जर्नी बहुत सुकून वाली हो गई है। अब इसमें आपको साइड मिडिल सीट्स नहीं देखने को मिलती हैं। मॉडर्न इकोनॉमी के कोचेज हैं, कम किराए में इनकी जर्नी, इसका एक्सपीरियंस। थैंक यू इंडियन रेलवे फॉर अमेजिंग सर्विस। अभी हम लोग जो है तमिलनाडु में हैं, नींद खुलेगी तो तमिलनाडु में ही होंगे, लेकिन एंट्री केरला बॉर्डर पे होगी, मतलब समझ लीजिए। हो सकता है कि मेरी नींद खुलते खुलते कवर करते करते केरला लग भी जाए। कर्नाटक से चले तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल, और कल वापस भी हम लोग इसी रूट में ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन जाएंगे कल चेन्नई, बैंगलोर नहीं। ये मेजर सिटीज़ हैं, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं इंडिया को। आपको कैसा लग रहा है साथ में बताइए ज़रूर। ट्रैक साउंड सुनिए, ये अपनी मॉडर्न गरीबत एक्सप्रेस होसूर से निकल चुके हैं। अब करते हैं थोड़ा रेस्ट अंदर जाके, सुबह मुलाकात करते हैं जहाँ नींद खुलेगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट। यहाँ अपने दिन की शुरुआत हुई है, बस मैं सो ही रहा था, जब सो के उठाऊँ तो थ्रिसूर के आउटर पे 6:30 का अराइवल टाइम था, 6:25 पे गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है। वेलकम टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री। मैं खुद नींद में हूँ, लेकिन यहाँ जो सुबह के नज़ारे देखे तो मज़ा ही आ गया। मौसम बहुत अच्छा है, तो जो एक्सपीरियंस रहने वाला है काफ़ी सही रहेगा। अब इसके आगे का जो रूट है पूरा दिन में एक्सप्लोर करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। खाना वगैरह भी मैंने ऑर्डर किया, वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, केरला का फूड, साउथ का फूड। मतलब एक साउथ घूमने का जो मज़ा है ना, ये अलग ही होता है। इतना अच्छा लंबा तगड़ा प्लान करना पड़ता है कि भाई साउथ जा रहे हैं तो ये चीज़ें होने चाहिए, कन्याकुमारी वगैरह घूमने निकलते हैं। उसी में एक्सपीरियंस मिलता है जब आप त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम घूमने के लिए निकलते हैं। पहले गरीब जाती थी कोच्चिवेली, अब उसका नाम हो गया त्रिवेंद्रम नॉर्थ। चलते हैं, जर्नी इंजॉय करिए, थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर भी होगा।
केरला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मज़ा आ गया मतलब देख करके। देखिए आप लोग ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। गाड़ी काफ़ी धीरे चल रही, लगता है कोई गाड़ी इसके आगे जस्ट आगे ही आगे चल रही होगी। पूरी 3AC इकोनॉमी कोचेज वाली गरीब रथ आप देख लीजिए यहाँ पे। एर्नाकुलम अल्पुज़ा इंटरसिटी या कोई तो इंटरसिटी है यहाँ पे जिससे क्रॉसिंग हो रही है। जस्ट अभी अंदर आए थे हम लोग। बहुत कंजेस्टेड है भाई, देखो कैसे बैठे सिमटे हुए बाकी तो सो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे कुछ ना कुछ कर रहे थे यहाँ पे तो पैर मूव करने के लिए भी जगह नहीं बसती है यहाँ पे। और जो 3AC इकोनॉमी में टॉयलेट वाला एरिया है ना हैंड वॉश का, वहाँ पे स्पेस नहीं होता हेड का कि आप थोड़ा भी बेंड करके कुछ कर पाओ, तो पूरा पानी फैला हुआ है वहाँ पे दरवाजे के पास, क्योंकि स्पेस होता ही नहीं है हाथ वगैरह धोने के लिए या किसी के मुंह धोने के लिए। तो जो पानी का स्प्लैश है वो पूरा का पूरा छीटे बाहर आते हैं। आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि भैया बुराई करें, ये बुराई नहीं है, ये एक जेन्युइन रिव्यू है, एक एक्सपीरियंस। मैं तो इसका पूरा पूरा वीडियो बना के रेलवे के पास भी भेजा है भाई क्या ये जो स्पेस है इसका कुछ करो, क्योंकि ना मुँह जाता है ना बेंड होने के बाद बहुत डिस्टेंस बचता है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। वैसे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया था लुवा में, लेकिन श्रेयांश भाई ने ट्रेन का खाना लिया और चाय ली। चाय कैसी थी भाई? चाय ठीक है, डिप वाली कम से कम चाय का तो फ्लेवर है इसमें, बाकी तो ठीक है। फ्लेवर आ रहा है अच्छा खासा, बाकी टेस्ट कर ही लेते हैं इसको। इडली बड़ा जब लिया तो नो डाउट, मैंने तो रिव्यू भी नहीं किया वीडियो में, तो भाई इतना सॉफ्ट इडली है, सांभर इतना सही है ना, और ये गारंटीड फ्रेश है गर्मा गर्म। ट्रेन में पैंट्री कार्ड तो नहीं है, साइड पैंट्री है, और खाना ज़बरदस्त आया। चाय कॉफ़ी को छोड़ के सब अच्छा है। वड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप ई-कैटरिंग से ना भी ऑर्डर करो तो इसमें आपका काम तो चल जाएगा बढ़िया से। तो भाई चलती ट्रेन से बूढ़े अंकल उतर गए, अब वो चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, इंडियंस रिस्क लेने में पीछे नहीं रहते कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट ये चीज़ मैं कहूँगा, अंगमली स्टेशन पहुँची है अलुवा पहुँचने वाली गाड़ी अपनी।
इसमें मसाला डोसा है, अप्पम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इडली वड़ा भी है। ई केटरिंग से ऑर्डर किया था, थोड़ा महंगा पड़ता है ई केटरिंग से, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट स्टेशन से खरीद के खाया है, तो ये भी ट्राई करेंगे। और एर्नाकुलम में कुछ थोड़ा बहुत खाना लेंगे यहाँ का, फिर साउथ का फूड ना बढ़िया से बैठ के इत्मीनान से सुकून से ट्राई करेंगे। ये देख लो, हम लोगों ने अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो ऑर्डर किया था ई केटरिंग से, वो आ चुका है। इसमें डोसा है और अप्पम है, इडली वड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें रिव्यू करेंगे। इस बार सोचा क्यों ना ई केटरिंग से थोड़ा बहुत ट्राई किया जाए। और एर्नाकुलम टाउन यहाँ से दो स्टेशन दूर ही है, वो भी आने वाला है, वहाँ चल के वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो भी लेंगे, अगर मिल पाया तो। वो रिस्क लेना नहीं था इसलिए मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मैं चाहता था यार आपको ब्रेकफास्ट जो साउथ का ना वो दिखाया, क्योंकि सभी को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट पसंद होता है। तो भाई जिसको इसको पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और जिसको नहीं पसंद है आप लोग भी बताओ साउथ में आपको क्या चीज़ खाने में नहीं पसंद है। बाकी इडली वड़ा हो गया और ये मसाला डोसा, ये तो वर्ल्ड वाइड मैं तो कह सकता हूँ सबको पसंद आता है साउथ का। आप लोग बताना आपको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। बाकी चलेंगे अंदर, इसको बाद में रिव्यू करेंगे, पहले एर्नाकुलम टाउन पहुँचते हैं। गाड़ी का डिपार्चर अलुवा रेलवे स्टेशन से हो गया। अगर आपको कोचीन रेलवे स्टेशन सॉरी कोचीन एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से बहुत पास पड़ेगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट्स वगैरह आपको चाहे सिंगापुर मलेशिया साइड जा रहे हो सस्ती मिल जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था कोचीन एयरपोर्ट अगर आपको जाना है आप यहाँ पे उतर सकते हो। एर्नाकुलम तक नहीं जाना पड़ेगा आपको। गाड़ी अलुवा से निकल गई, इसको जाके सीट पर रखते हैं पहले। पूरे में पानी फैला रहता है इकोनॉमिक रेसी कोच के पास, यहाँ पे हेड स्पेस आपको बहुत कम मिलता है, मतलब अगर आप ब्रश वगैरह करना चाहो इतना छोटा सा स्पेस है कि पानी पूरा बाहर आता है। ये है कोझिकोड वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आगे कासरगोड के लिए जा रही है। ट्रेन नंबर 20634, काफ़ी लंबी वंदे भारत है यार। ये उन वंदे भारत एक्सप्रेस में से जो पैक चलती हैं, इसके लिए एक रिवर्स वंदे भारत भी शुरू की गई थी, तो इस रूट में आपको अप डाउन के लिए वंदे भारत ट्रेनें मिल जाएंगी। हमारी ट्रेन एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पहुंची। 8:15 का अराइवल टाइम था, यहाँ 10 मिनट का डिले हो गया एर्नाकुलम टाउन स्टेशन आने में। एक्चुअली जिन ट्रेनों को अलपुजा जाना होता है ना, अलपुजा वाली लाइन पे एर्नाकुलम जंक्शन, वो यहाँ नहीं रुकती हैं। हमारी ट्रेन जो है वो कि कैंकुलम जंक्शन की ओर निकलेगी यहाँ से चेंगन सिरीवरा होते हुए, तो इसका जो रूट है वो थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग एर्नाकुलम टाउन से ही अलग हो जाएंगे, एर्नाकुलम जंक्शन नहीं जाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना जब कभी भी इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, खाना पीना कुछ कलेक्ट करना तो यहीं से कर लेना आप लोग। और अगर आपको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, बाई चांस आपकी ट्रेन का अलुवा स्टॉप नहीं है, तो आप यहाँ उतर सकते हो। हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है ना, वो एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से हो चुका है। वैसे हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, बाहर ना खाने पीने के लिए लाइन से आपको जगह मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी खाने पीने की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म में अप्पम विद एकरी एंड इडली वड़ा सांभर,
ये कॉम्बिनेशन मिल रहा था, चाहते तो ले सकते थे पर हमने वो नहीं लिया है क्योंकि अभी हमें जो हमने मंगाया था ई केटरिंग से खाना वो ट्राई करना था। पहले मैंने सोचा रिव्यू करूँ पर एग करी मैं खाता नहीं हूँ अंडा, और अपम तो हमने ऑलरेडी मंगा रखा है, इडली भी हमारे पास अवेलेबल है, तो रिव्यू के लिए हमने उसे छोड़ दिया आज। बाकी अगर आपको वाटर मेट्रो इन्जॉय करनी है तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा कोची में, और यहाँ से आप वाटर मेट्रो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो इन्जॉय कर सकते हो। वाटरवेज है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब सिटी में ना, सिटी के भीतर आपको पूरा जो बैक वाटर से वो मिलेगा, जिसके कारण अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको नाव वगैरह का यहाँ पे आपको। तो कभी भी आ रहे हो कोची ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको लक्षद्वीप वगैरह जाना है तो फ्लाइट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी और बाई शिप भी आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे आप देख लो कि ये है मसाला डोसा विद बड़ा, और साथ में परोठा मंगाया विद हमने चने की सब्जी, और ये है वेज खुरमा, और साथ में है अप्पम। अप्पम कुछ ऐसा दिखता है डोसे जैसा ही, सेंटर से मोटा होता है, ये केवल केरला में आपको मिलेगा। ये मैंने ट्राई करने के मंगाया था, केरला की डिश है। साथ में सांभर चटनी वगैरह तो है ही, और ये ट्रेन की कॉफ़ी मैंने जस्ट अभी ली है, देख लेते हैं कैसी है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है ट्रेन, इस ट्रेन का खाना पीना साइड बंट्री बहुत बकवास है, बहुत बहुत ज़्यादा बकवास है, उससे अच्छा है बाहर से मंगाओ वो सही रहेगा, वरना अगर हम स्टेशन से ले रहे हैं अगर आप अंडा वगैरह खाते हो तो। बाकी टेस्ट करके जल्दी से आपको बताते हैं। मेरी तो सबसे फेवरेट चीज़ है जब भी मैं केरला आता हूँ ये अप्पम, और साथ में ये वेज कुरमा, इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये चने की सब्जी है। जो चाहिए था वो मिला, कोकोनट फ्लेवर पड़ा हुआ उसमें पूरा। रुद्र भाई तो शायद फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे ना, फ्लेवर अच्छा दे रहा है कोकोनट का ना, मस्त लग रहा है, और इसमें भी वही फ्लेवर आएगा पर और अच्छा लगेगा। बट मेरा फेवरेट कॉम्बो ये वाला है अप्पम वाला, चटनी सांभर भी है सब कुछ है, श्रेयांश भाई के लिए इडली वड़ा भी है। नॉनवेज वाले होंगे तो वह अप्पम के साथ चिकन करी बहुत तगड़ा। हाँ एग करी तो स्टेशन में ही मिल रही थी, मोटे मोटे करी। चलो इसे फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी, चने की सब्जी थोड़ी टेस्टी कर लेता हूँ यार, रहा नहीं जा रहा। धन्यवाद श्रेयांश भाई, ये टेस्ट करना था मेरे को एक बार, अच्छा बना यार सारा खाना अच्छा। डोसा तुम कर दो जल्दी से, आलू भरा है कि नहीं वो देखना, मेन ऑपरेशन करो। डोसा मिडल से उठाना है, आलू भरा है यार, पर इसका साइज देख लो डोसे का, डबल है वो, ऐसा वाला साइज होगा, दो लोग भर का है वो सांभर के साथ। डोसा और सांभर ये पूरे ऑल इंडिया चलता है कॉम्बो, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, ट्रेन में खाने के भी सबसे अच्छा है। अच्छा है ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी ये मिलता है हर जगह, किसी भी स्टेशन जाओगे नॉर्थ ईस्ट में इडली वड़ा सांभर मसाला डोसा सांभर मिलता है ना, वो अलग होता है कद्दू की सब्जी का ना, और वहाँ का जो सब्जियाँ होती हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। चलो खाना तो काफ़ी बढ़िया था, इसे निपटाते हैं। आप लोग बताओ नॉर्थ ईस्ट कब जाना है वापस, मानसून में या गर्मी में? फिर से मतलब लोग बताओ, हाँ जैसा बताओ लेके जाओ, कमेंट चलो थोड़ा नहला गुन लेके जाएंगे भाई को। एक्चुअली में गरीब रथ जो है ना वो कुछ ऐसी दिखती थी, और अभी हम लोग अपग्रेडेड गरीब रथ में हैं इसलिए मॉडर्न कोचेज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखो पुरानी गरीब रथ के रेक खड़े हैं, ये कोची वेरी एलटीटी के रेक्स हैं, इसमें एसी चेयर कार के कोचेज भी लगा करते थे, बेंगलोर वाली में वो कभी नहीं लगे। बट कोई मुझसे पूछे तो मुझे यही वाले रेक पसंद है, इसमें साइड मिडिल वगैरह नहीं है और थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन उससे इसमें जो फीचर्स हैं वो अच्छे दिए गए हैं, वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे हैं उससे, ये कुछ चीज़ें जो इस वाले रेक को ज़्यादा अच्छा बनाती है, और हमें भी इसे साफ़ सुथरा रखना है वो मेन चीज़ है, हमें भी साफ़ सफाई का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब से मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ ना एक शिकायत मेरे मन में रहेगी कि इसको पूरे रूट में ना कोई प्रायोरिटी है, ना गरीब रथ वाली रफ्तार, क्या ही बोलूँ, मतलब गरीब रथ ट्रेन को जाना जाता है अपनी राजधानी वाली रफ्तार और उस टाइमिंग के लिए, और यहाँ पे इस ट्रेन को मतलब ऐसे ही चलाया जा रहा है, कहीं भी ये तेज चलती नहीं मिली है, धीरे धीरे चल रही, एकदम धीरे धीरे पूरे रूट में।
शायद भाई एक डेमो दिखाओ ना मुंह धोने का, कितना स्पेस बचता है यहाँ पे। शायद भाई एक डेमो दिखाओ मुंह धोने का, कितना स्पेस होता है देखो। अगर मैं मुंह पे पानी मारा तो नीचे गिरेगा। वो वही वाली बात मैं सबको बता रहा था कि पूरा पानी जो है ना स्पिलेज होती है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस बचता ही नहीं है यहाँ पे अगर पानी मुंह में लगाया तो। बाकी कोटायम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और एक चीज़ फील हुई, बैंगलोर ठंडा और यहाँ पे गर्मी। बैंगलोर हम लोग जैकेट पहन के आए थे और यहाँ के भाई जैकेट के अभी टी शर्ट उतारने का भी मन कर रहा है। अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है, चलो यहाँ तो गाड़ी का धीरे चलना बनता भी है। इससे पहले मुझे लग रहा था कि काम चल रहा है इसलिए गाड़ी धीरे चल रही है, और अभी आप देखो क्या बोलूँ मैं अभी। कहाँ मैंने गरीब ट्रेन को 130 की रफ्तार में चलते देखा है, पर यहाँ पे 50-60 पहुँच जाए मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन तो ट्रेन ने दिखाया। ट्रैक साउंड में मजा आ गया आज। WP7 के साथ कोई तो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। एर्नाकुलम कोट्टायम ऐसे कोट्टायम स्टेशन तो अच्छा है, पर मैं और श्यांश एक चीज सोच के काफी शौक हो रहा है भाई, क्या है वो चीज़। यार मैं शौक है, मेरे को लगा लेट होंगे हम लोग आधा पौना घंटा। 9:53 हम लोग आज के हैं, 10 बजे का अराइवल टाइम था भाई। इतना धीरे चलने के बाद, इतना मर मर के चलने के बाद भी गाड़ी यहाँ पे बिफोर टाइम आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी कोटायम स्टेशन की, बढ़िया सा गार्डन देखो यहाँ पे बना हुआ है। देखो अंडा की करी बहुत ज़्यादा चलती है भाई केरला में, यहाँ पे बिक भी रही है, इडली वड़ा भी बिक रहा है। ये गार्डन देख करके बहुत सही लगा। वैसे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल यानी इंस्टाग्राम पेज ट्रेन गुरु को फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं अपडेट दे रहा हूँ लगातार इस जर्नी का, तो आने वाली जर्नी से अपडेट भी आपको मिल जाएगी। स्टडी द ट्रेन गुरु है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ का मिल जाएगा, वहाँ फॉलो करिएगा। रील्स एंड ऐसे फोटोज़ वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ लगातार इस जर्नी के वहाँ पर। देखो यहाँ पे अपनी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिला है कोट्टायम रेलवे स्टेशन से, और निकलते ही ना एक टनल भी मिलेगी हमको देखने को। और स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 अगर आप देखो तो AC वेटिंग हॉल से लेकर खाने पीने की सुविधा सब कुछ यहाँ पे है। पहले भी मैंने ट्रैवल किया था बैंगलोर कन्याकुमारी एक्सप्रेस में, तो हमने ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ट्रेन अपनी यहाँ से निकल चुकी है। रुद्र अन्ना गरीब रथ हेंगे दे
ಬೆರಿ ಬ್ರಾತ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆದ್ರೂ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಹೊಟ್ಟಿದೆ. लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तब वो रूट वर्किंग था और ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आज देख रहा हूँ कि ट्रेन टनल से नहीं जा रही, ट्रेन बाहर से जा रही है. हमारी टनल से जाएगी पर ये रूट बंद हो चुका है, अब इंडियन रेलवे इस वाली लाइन को फॉलो कर रही है. पर ग्रीनरी आप अगर देखोगे तो मजा आ जाएगा, देखो पूरा हाइट तक, पूरे ऐसा लगेगा ट्रेन पहाड़ों में चल रही है. आइलैंड आप देख सकते हो यहाँ पे अलग से है, लेकिन यहाँ पे सभी तरह के एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगे. We'll be right back.
पीछे देखिए बैक वाटर, इसीलिए केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ घूम रही है। और ये देखिए है ना कमाल का, दोनों ट्रैक्स का डिस्टेंस आप देखिए एक बार, मजा आ जाएगा एकदम। मैं दूसरे कोच में आऊँ, यहाँ पे भी देखोगे आप पूरा कीचड़ बना हुआ है यहाँ पे हाल, और ये भी पूरा चोक हो रखा है। तो गाड़ी कहीं की भी हो, लोग अगर उसे साफ रखेंगे तो ही गाड़ी साफ रह पाएगी, जो हमारे और आपके हाथ में है। वहाँ भी पूरा कूड़ा फैला हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है इस ट्रेन में। अभी हम लोग कोल्लम जंक्शन पहुँच रहे हैं, जिसे आप क्विलॉन नाम से भी जानते हैं। अच्छा, केरला की ये वाली बस आपने मूवीज़ में देखी होगी, पर ये बड़ी अच्छी लगती है यार देखने में। मतलब इसके विंडोज़ अगर आप देखोगे ना तो मस्त खुले खुले से, ये देखो। जब हमने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था तो पूरा रूट जो है डीजल था। चेन्नई एगमोर की ओर जाने वाली ये ट्रेन है, तेनकासी सेंगोट्टई वाले रूट से जाती है, और आज इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लग रहा है। इधर का जो प्लेटफॉर्म है पूरा डीजल ट्रेन के लिए हुआ करता था, मतलब मीटर गेज की डीजल ट्रेन्स के लिए, और अब ये ब्रॉड गेज का हो गया है, वरना पूरा हिस्सा यहाँ का मीटर गेज के लिए था। ये टर्मिनल प्लेटफॉर्म हुआ करता था मीटर गेज ट्रेन्स के लिए। कोल्लम जंक्शन क्यों कहते हैं तो आपको पता चल ही गया, हम लोग त्रिवेंद्रम के लिए बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं अपनी मैंगलोर वाली लाइन से। और साथ साथ आपको मैंने बताया ना, यहाँ से तेनकासी सेंगोट्टई के लिए रूट गया हुआ है। केरला में क्विलॉन का यानी कोल्लम का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ का जो पोर्ट है वो मसाले वगैरह के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता था, पुराने ज़माने से अभी भी यूज़ होता है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है यहाँ का जो पोर्ट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। कोल्लम में आपको खाने पीने की चीज़ें सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, कोई वो दिक्कत तो होगी नहीं। और ट्रेन 11:52 आई है, 12 बजे यहाँ से डिपार्चर टाइम है, तो अच्छा खासा हॉल्ट टाइम यहाँ पर ट्रेन को मिलने वाला है। हर जगह बिफोर जा रही है, और यहाँ से त्रिवेंद्रम लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसता है, तो हमें 1 घंटे 15 मिनट का टाइम फिर भी रहेगा यहाँ से। जैसा कि आपको बता रहा था ना कि मसालों के लिए फेमस है, तो देखो बहुत सारे मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। हमने बस एक छोटा सा केरला चिप्स का पैकेट ले लिया, बहुत सारे पिकल की वैरायटी भी है और ये भी है, वैरायटी बहुत अच्छी है। और मेन चीज़ पता है कि यहाँ पे हलवा काफ़ी फेमस होता है, जैकफ्रूट हलवा, बीट हलवा, सब कुछ है यहाँ पे। ये जैकफ्रूट का है, कटहल का, कटहल का नॉर्मल भी है हलवा, बीट हलवा। यहाँ पे कोल्लम चेन्नई एगमोर वाया नागरकोइल भी एक खड़ी हुई है, ये शाम में जाएगी। और उधर भी देखो, पता नहीं यार कितनी ट्रेनें कोल्लम से खुलने लगी हैं, पहले तो कुछ नहीं था। अच्छा है, मतलब यहाँ से ट्रेनें अगर यहाँ के लोगों को मिल रही है तो। चलिए अब आपको दिन में दिखा देता हूँ इस गरीब रथ का इंटीरियर। तो गाड़ी यहाँ पे कुछ आपको ऐसी मिलेगी, इंटीरियर आप देख लीजिए, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब दिया हुआ है, मिरर वगैरह देख लो आप। और इस गरीब रथ में मेन चीज़ पता है मुझे क्या सबसे अच्छी लग रही है शुरू से, वो है इसके डक जो काम कर रहे हैं, क्योंकि एसी जो है यहाँ से भी आ रहा है, और ये बॉटल होल्डर वगैरह है, बाकी बढ़िया है। थोड़ी सी कंजेस्टेड लगती है बट ठीक है, काम चल जाएगा, इसमें जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है।
रुद्रा भाई को चिप्स इतने अच्छे लगे, मैंने सोचा अंदर आगे रिव्यू करूँगा, तब तक पैकेट पूरा खाली हो गया। और यहाँ पे केला हलवा भी है, वो आपको दिखाता हूँ। भेदभाव क्यों है? केरला इतना मस्त स्पीड में जा रही है और हमारी गरीबत बैंगलोर तब तक इसी रफ्तार में चल रही है। बहुत बुरा लगा देख करके। जस्ट अभी केरला सुपर फास्ट निकली। चिप्स तो नहीं नसीब हुए मेरे को, लेकिन हलवा जबरदस्त है। फुल मीठा। एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है भाई इसका टेस्ट। लगातार बैकवाटर्स के नज़ारे चल रहे हैं और अभी धूप हो गई अच्छी खासी। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे कोची वैली यानी त्रिवेंद्रम नॉर्थ। मिलते हैं आपसे वहीं पे। फाइनली 16 पे हम लोग पहुंच रहे हैं कोची वैली यानी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। सच में बता रहा हूँ, इस गाड़ी ने ना थका दिया यार। इतना धीरे कौन आता है, 10 घंटे के अंदर तो वंदे भारत पहुंचा देती है। 16 आवर्स से भी ज़्यादा एक समय दिया हुआ है सेम रूट पे। भाई फाइनली कैसा लग रहा है गरीब रथ से उतर के? गरीब रथ से ऐसा लग रहा है हम ही ये फ्री हो गए। फ्री हो गए शहन भाई। भाई समझ नहीं आ रहा फिर से। भाई रूट अच्छा था पर ये गाड़ी बहुत थकेली गाड़ी है, बहुत पंचर गाड़ी है। ऐसा लग रहा है दोनों पहिए पंचर हो। धीरे धीरे घिस के आई है, मेरा बोर कर दिया इसने एक्चुअली में। और उसके बाद इतना घिस के आने के बाद भी ये बिफोर टाइम आई यहाँ पे 15 मिनट। जर्नी का मजा नहीं है भैया, फिर भी ये ऑन टाइम लेके आता है। हाँ और गाड़ी खाली हो गई थी एर्नाकुलम के बाद, वो अच्छा लगा। लेकिन वही था ना कि ना चैन से बैठ सकते हो ना चैन से सो सकते हो। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बाकी पहुँच चुके हैं यहाँ से। अगली गाड़ी हमारी चेन्नई की है और वो है AC सुपर फास्ट और उसमें आप यात्रा करेंगे शाम में, आज ही के दिन है तो चलते हैं रेस्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।